हेलो फ्रेंड्स, सीजी स्कूल एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम सीजी स्कॉलरशिप किस प्रकार से भरना है, कौन से स्टेप का पालन करना है, आइए वीडियो के माध्यम से चलते हैं। और इस स्टेप का आप पालन करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप भरने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र पर चले जाना है और यहाँ पर टाइप करना है आपको सीजी स्कॉलरशिप पोर्टल gov.in पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट वाला आएगा छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति पोर्टल, इस पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात यहाँ पर आईडी डालेंगे, उसके पश्चात यहाँ पासवर्ड और यहाँ आपको इस कैप्चा को एंटर करने होंगे। इस प्रकार से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के पश्चात आपके सामने यहाँ पर अलर्ट आएगा, इसको आपको कट कर देने हैं। कट करने के पश्चात यहाँ पर पंजीयन 2023-24 दिया गया है, तो इसमें कौन से स्टेप को सबसे पहले भरा जाए। इसमें 11 स्टेप दिया गया है, इन स्टेप में आपको कौन से स्टेप को सबसे पहले भरना है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पंजीयन 2023-24 को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट बी सारांश प्रतिवेदन यहाँ पर दिया गया है, न्यू दिया गया है, कक्षावार सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट बी प्रविष्टि तथा छात्रवृत्ति प्रभारी की जानकारी अपडेट करें, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैसेज आया, विद्यालय के सभी कक्षाओं का सारांश प्रतिवेदन नहीं भरा गया है, कृपया सारांश प्रतिवेदन भरें। इसको ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पर आपकी स्कूल की जो जानकारी है यहाँ पर आएगा, 23-24 स्कूल का नाम रहेगा, और यदि इसमें नहीं रहेगा तो आप इसको एंटर करेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे जो प्रभारी शिक्षक है, यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे, यदि आपका स्कूल का ईमेल आईडी तो स्कूल का ईमेल आईडी या अपना डाल सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर इस वर्ष नया दिया गया है, यहाँ पर कक्षा चुने दिया गया है, जिस कक्षा का आपको भरने हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे, फिर एक मैसेज आएगा, इसको ओके कर देना है। ओके करने पश्चात यहाँ पर मैं पिछली वीडियो में इसको भरने के लिए बताया था, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसके इस वीडियो के लास्ट में दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं किस प्रकार से भरना है। पुनः मैं बता देता हूँ, इसमें उन्हीं विद्यार्थियों का संख्या डालना है जो राज्य छात्रवृत्ति के लिए पात्र है, अन्यथा संपूर्ण विद्यार्थियों की जानकारी यहाँ पर नहीं भरना है। तो चलिए, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट बी अपलोड करें, इस ऑप्शन पर जाएंगे और फॉर्मेट बी आपको जो भरे हैं ध्यान रहे उसमें जब भरेंगे तो आप पूरे क्लास का भरेंगे, सिर्फ एक ही क्लास का नहीं भरेंगे, उसमें पूरे क्लास का भरेंगे। इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पर चूज़ फाइल दिया गया है, इस चूज़ फाइल को क्लिक करेंगे और आप जहाँ पर उसको फ़ोटो खींच के रखे हैं या पीडीएफ बनाए हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर ओपन करेंगे। ओपन करने के पश्चात यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा जिस नाम से रखे हो, उसके पश्चात यहाँ पर सारांश प्रतिवेदन अपलोड करें का ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन को आप चुनाव करेंगे और इसको क्लिक करेंगे। और ध्यान यह रहे कि यह 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात इसको आप कंप्रेस करके रख सकते हैं और उसके पश्चात इसमें अपलोड करना है। यदि 101 KB का यदि होगा तो ये अपलोड नहीं होगा, तो 100 KB से यह कम होने चाहिए। अगला स्टेप, तीसरा स्टेप क्या कर सकते हैं आप, पंजीकृत विद्यार्थी का आवेदन निरस्त करें, अर्थात जो विद्यार्थी आपकी शाला से चले गए हैं, अर्थात इसमें देखते हैं 61 बालक या बालिका है टोटल क्लास 8 और 7 में, यहाँ पर 6 का नहीं रहेगा क्योंकि हमने उसको एंटर नहीं किया है, तो क्लास 8 और क्लास 7 का है। इनमें से एक विद्यार्थी है, जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ टिकेश्वरी तुलाराम, ये है, यह विद्यार्थी है, यहाँ से चले गए हैं, तो इनको निरस्त करना है। तो निरस्त करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसको निरस्त करने पर आपको क्लिक करना है, तो यह विद्यार्थी है इस स्कूल से हट जाएंगे। तो चलिए मैं इसको निरस्त कर देता हूँ। अब देखिए, निरस्त करने के बाद मैं पुनः देखता हूँ इसको, ये निरस्त नहीं हुआ है, दूसरे टिकेश्वरी निरस्त हो गया है, तो इसको वापस कैसे लाना है, इसको निरस्त करना है, उसको वापस लाना है, तो यहाँ पर गलती हो सकता है, तो निरस्त विद्यार्थी है उसको वापस कैसे लाना है, तो आइए इसी ऑप्शन पर और चलते हैं और सबसे नीचे जाते हैं, निरस्त विद्यार्थियों को रीस्टोर करें, इस ऑप्शन को चुनाव करेंगे और यहाँ पर देखिए टिकेश्वरी है,
टेकराम साहू है, इस विद्यार्थियों को वापस लाना है, तो यहाँ पर रीस्टोर करे करके ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन को आप चुनाव करेंगे और यह विद्यार्थी ये पुनः वापस चला जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर निरस्त रिकॉर्ड को सफलतापूर्वक संशोधित किया गया और यह विद्यार्थी यहाँ से हट गया। पुनः आप देख सकते हैं उस यह विद्यार्थी वहाँ वापस गया है कि नहीं गया है, इसको देख सकते हैं। टिकेश्वरी तुलाराम ये फर्स्ट वाला है, और देख लेते हैं एक टिकेश्वरी और है, यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर टेकराम ये वापस आ गया है। तो आप पुनः इसको निरस्त कर सकते हैं ऊपर वाले टिकेश्वरी को, जैसे मैं इसको निरस्त कर देता हूँ, ये निरस्त हो गया, यहाँ से हट गया। अब इसको देखते हैं तो एक बार आपको नज़र आएंगे, देख सकते हैं वन ऑफ वन एक ही टिकेश्वरी है, दूसरा यहाँ से डिलीट हो चुका है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि अब क्या करें, तो इसके पश्चात आप यहाँ पर ऑप्शन है पंजीकृत विद्यार्थी का फॉर्मेट ए सुधारें, इसको क्लिक करना है और जितने विद्यार्थी आपके स्कूल में हैं उन विद्यार्थियों के जानकारी को आपको सुधारने हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इस ऑप्शन पे आए तो एक विद्यार्थी हट गए हैं और टोटल 60 दिखा रहे हैं, जैसे ये है टोमिन नरेंद्र कुमार साहू, इसको हमको एडिट करने होंगे। तो यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन ऑप्शन दिया गया है, इसको क्लिक करेंगे, उसके पश्चात यहाँ पर चार ऑप्शन से आपको गुजरने पड़ेंगे। तो ये पहला स्टेप है, व्यक्तिगत जो जानकारी है यहाँ पर दिया गया है इसको आपको देख लेना है, यदि इसमें चेंज करने हैं तो इसको आप चेंज करेंगे, उसके पश्चात नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे या ऊपर में टैब दिया गया है इसको भी आप क्लिक कर सकते हैं, या पर यदि गलती से सेवन्थ हो गया है तो इसको ऐड आप कर सकते हैं जो भी क्लास है उसका, और यहाँ पर प्रवेश क्रमांक है इसको आप दर्ज कर सकते हैं, उसके पश्चात नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर बैंक खाता का विवरण दिया रहेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं पासबुक में दिए गए अकाउंट नंबर के अनुसार ही इसको दर्ज करें, तो यहाँ पर अकाउंट नंबर दिया गया है, इसको आप आवश्यक सुधार कर सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर दिया है क्या बैंक खाता विद्यार्थी के नाम पर है, तो इसमें यदि है तो यस, अगर नहीं है तो नो करेंगे। यदि नो करते हैं तो इसमें एक ऑप्शन और यहाँ पर ओपन होगा, यह जो खाता है किसके नाम पर है, फादर का है या मदर का है, तो चूंकि यह विद्यार्थी है स्वयं के नाम पर है इसके लिए यस करेंगे। उसके पश्चात पुनः हमको नेक्स्ट करने हैं, नेक्स्ट करेंगे तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है अन्य विवरण यह ओपन होगा, क्या अभिभावक के पास 10 एकड़ जमीन है, तो यहाँ पर आप यस और नो का सिलेक्शन करेंगे। आयकर दाता होगा तो यहाँ यस करेंगे, अगर नहीं है तो इसको नो रहने देना है। उसके पश्चात यहाँ पर अभिभावक का वार्षिक आय यहाँ पर बंद रहेगा, उसके पश्चात आपको सेव कर देने हैं, तो जैसे ही सेव करेंगे यह विद्यार्थी का आवेदन है वो सेव हो चुका है। इस विद्यार्थी की जानकारी को पुनः आपको देखना हो या इसमें कुछ और करेक्शन करना हो तो आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, देख सकते हैं टोमिन है, पहले ये ब्लू कलर था अब ये ग्रीन कलर हो गया है। तो आपको सभी को एक एक करके इस प्रकार से आपको एडिट करने होंगे और ये ग्रीन कलर होना चाहिए। तो चलिए यह स्टेप पूरा होता है, उसके पश्चात आपको क्या करने हैं, आपको नवीन विद्यार्थी का पंजीयन करना है, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, नवीन विद्यार्थी का पंजीयन ये है, और एक ऑप्शन और है यहाँ पर विद्यार्थी का शाला परिवर्तन करें, यदि कोई विद्यार्थी आपके शाला में आए हैं तो उन विद्यार्थियों को यहाँ से लाना है, ना कि आपको नया एंट्री करना है। यदि वो पिछले साल छात्रवृत्ति ले रहे थे तो आपको फॉर्मेट ए नवीन एंट्री नहीं करना है, यदि वह विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं ले रहे थे तब उसको नवीन एंट्री में करना है। तो यदि वो पिछले साल छात्रवृत्ति ले रहे हैं तो इसको विद्यार्थी के शाला परिवर्तन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर विद्यार्थी का कोड डालेंगे, या विद्यार्थी कोड आपके पास नहीं है तो यहाँ पर विद्यार्थी का नाम से सर्च करेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, और या तो आप खाता नंबर से भी इसको ला सकते हैं, और यहाँ पर जानकारी देखे पर क्लिक करेंगे तो उसकी जानकारी यहाँ पर प्राप्त होगी। उसके पश्चात अपने शाला में परिवर्तन करे कर ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर देना है। चलिए यह ऑप्शन हो गया, उसके पश्चात यहाँ पर नवीन विद्यार्थियों का पंजीयन करना है, इसको क्लिक करेंगे, इसको ओके कर देंगे। ओके करने के पश्चात यहाँ पर देख सकते हैं अभी नवीन विद्यार्थियों की जानकारी अभी नहीं भर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने इधर सुधार नहीं किया है, हमने फॉर्मेट भी नहीं भरा है और अपलोड भी नहीं किए हैं, तो शायद इस वजह से हो सकता है कि नवीन विद्यार्थी का पंजीयन नहीं हो पा रहा है।
यदि आने वाले समय में कुछ ऐसा अपलोड होता है तो हम इसको इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताएंगे। नवीन विद्यार्थियों की पंजीयन पूर्ण होने के पश्चात आपको क्या करने होंगे, यहाँ पर एम्बिग्युइटी की जांच करे का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आपको क्लिक करने हैं। आप श्योर हो जाइए कि नवीन विद्यार्थियों की जानकारी और जो पंजीकृत विद्यार्थी है उनका जो फॉर्म है उसको आप एडिट या पुनः भर लिए रहेंगे, तब इसके एम्बिग्युइटी की जांच करना है। यहाँ पर जैसे ही इसको क्लिक करेंगे इस प्रकार से दो ऑप्शन आएगा, समरी डिटेल फॉर्मेट बी के अनुसार जो हमने फॉर्मेट बी कक्षा अनुसार जो एंट्री किए थे उसकी जानकारी, और यहाँ पर स्टूडेंट का जो जानकारी अभी भरे हैं फॉर्मेट ए उसकी जानकारी, दोनों मिलान होगा तब यहाँ पर वेरीफाइड को ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये अभी एंट्री नहीं हुआ है। अगला देखते हैं, इस प्रकार होने वेरीफाइड करने के पश्चात आपको क्या करने होंगे, एम्बिग्युइटी जांच कर लिए, आपने वेरीफाई कर लिए और आपको पता चलता है कि आपके स्कूल में एक विद्यार्थी छूट गया है या एक विद्यार्थी पुनः भर्ती हो गए हैं, तो इसको सेंड टू डीओ आप नहीं किए हैं, तो उस स्थिति में आप वापस इसको लाने के लिए अनवेरीफाई एम्बिग्युइटी वेरीफाइड स्कूल कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे और यह ऑप्शन आएगा और यहाँ पास एक पुनः ऑप्शन आएगा, यहाँ पास देख सकते हैं, यहाँ पास या नीचे में आएगा अनवेरीफाइड का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करना है और यह पुनः वापस आ जाएगा एम्बिग्युइटी की जांच करें में। उसके पश्चात आप सभी जानकारी को पुनः देखेंगे और उसको सुधार करेंगे, उसके पश्चात आपको एम्बिग्युइटी की जांच करना है। एम्बिग्युइटी वेरीफाइड होने के पश्चात आपको लास्ट ऑप्शन यहाँ पास करना है, आप वेरीफाई होने के पश्चात ही भुगतान के लिए डीओ या बीओ को प्रेषित करें पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप ना करें। टोटल आपको श्योर होने के पश्चात ही आपको भुगतान के लिए बीओ और डीओ को भेजना है। यदि आप एक बार बीओ और डीओ को सेंड कर दिए तो आप अपने आईडी से कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको पुनः वापस बीओ और डीओ से वापस सेंड टू स्कूल करवाना पड़ेगा, तब यह आप पुनः इसी स्टेप का आपको पालन करना होंगे। तो इस प्रकार से यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसी प्रकार की वीडियो की जानकारी के लिए सीजी स्कूल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।